हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आ गया हूं फिर से आज की कुछ रेल अपडेट्स को लेकर। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। रेल न्यूज़, रेल अपडेट और रेल नॉलेज की जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल रेल दोस्त रोहित को सब्सक्राइब करें। साथ में अपडेट जल्दी पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल पर सेट करें। दोस्तों, पहली अपडेट आ रही है रानीखेत एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर, जो जैसलमेर और काठगोदाम के मध्य चलती है। जैसा कि पिछले दिनों इस ट्रेन के लिए नोटिस निकाला गया था कि इस ट्रेन को कोहरे की वजह से 3 महीने के लिए रद्द किया जाना है, मगर अब इस ट्रेन को कोहरे की वजह से रद्द नहीं किया जाएगा। इससे पहले भी इस ट्रेन को कोहरे की वजह से रद्द नहीं किया गया था। इस ट्रेन को ना बंद करने के लिए जैसलमेर के MP द्वारा इस ट्रेन की डिमांड की गई थी। अगली अपडेट बीकानेर मंडल से। जैसा कि मैंने पिछले अपडेट में बताया था कि बीकानेर मंडल के चूरू रतनगढ़ और नौर हनुमानगढ़ सेक्शन का विद्युतीकरण निरीक्षण किया जाना है। CRS टीम ने हनुमानगढ़ नौर सेक्शन पर 90 KMPH की स्पीड से CRS ट्रेन को दौड़ाकर सफलतापूर्वक निरीक्षण किया गया और आज चूरू से रतनगढ़ तक सेक्शन का भी निरीक्षण किया गया। अगली अपडेट, 3 और ICF ट्रेनों को LHB कोचों के साथ रिप्लेस किया जाएगा, जिसमें पहली ट्रेन 12067 और 68 गुवाहाटी जोराहट टाउन जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन, इस ट्रेन को दोनों साइड से 29 नवंबर को 15 LHB डिब्बों के साथ चलाया जाएगा। दूसरी ट्रेन 22669 और 70 एर्नाकुलम पटना साप्ताहिक सुपरफास्ट ट्रेन, इस ट्रेन को 12 जनवरी एर्नाकुलम से और 15 जनवरी पटना से 20 LHB डिब्बों के साथ चलाया जाएगा। अगली ट्रेन 16565 और 66 यशवंतपुर और मैंगलोर साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन, इसको यशवंतपुर से 5 दिसंबर और 6 दिसंबर मैंगलोरू से 16 LHB डिब्बों के साथ चलाया जाएगा। तो बस दोस्तों, अगर अपडेट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।